आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज व्हाट, लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन द नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी. क्या रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी? रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी. वॉट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी? तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू वॉट? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. दिस एन फैक्टर स्टैंड फॉर, दिस एन फैक्टर मे बी, दिस एन फैक्टर मे बी आइदर एसिडिटी, एसिडिटी हो सकता है, या बेसिसिटी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एसिड एंड बेस. इन टर्म्स ऑफ वॉट? एसिड एंड बेस. सपोज आपका बेस है तो उसके लिए हम लोग एसिडिटी निकालते हैं, और यदि आपका कोई एसिड है तो उसका हम बेसिसिटी बताते हैं. कैसे? एसिडिटी स्टैंड फॉर वॉट? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस. तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन, कौन से OH माइनस आयन? रिप्लेसेबल OH माइनस आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग वॉट? एसिडिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH ले लेता हूं मैं, यहां मैं ले लेता हूं MgOH ट्वाइस ले लेता हूं, यहां मैं ले लेता हूं AlOH थ्राइस. इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है? वन. इसमें कितना है? टू. यहाँ कितना है? थ्री. नंबर ऑफ OH ग्रुप मतलब वर्ड लाइक दिस. NaOH को यदि आप पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, कितना OH माइनस आयन बनेगा? Na प्लस एंड OH माइनस वन. यदि मैं MgOH को पानी के अंदर डिजोल्व करता हूँ, हाउ मेनी OH माइनस आयन इट इज प्रोड्यूसिंग इन एक्वे सोल्यूशन? Mg प्लस टू प्लस टू OH माइनस आयन. Similarly for AlOH thrice, so this is nothing but your N. So this represents what? N. So N stand, N factor is nothing but acidity. Acidity हम लोग किसके लिए use करते हैं? Base के लिए. Same way, इसके लिए क्या होगा? Basicity is nothing but for acid. So number of replaceable, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉट? एसिड इज नोन एज वॉट? बेसिसिटी. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं HCl ले लूँ, H2SO4 ले लूँ, H3PO4 ले लूँ, इसमें H प्लस आयन कितना होगा? वन. इसमें कितने हैं? टू. दिस कंटेन हाउ मेनी? थ्री. तो N इक्वल टू क्या होगा? थ्री. तो बेसिसिटी ऑफ एसिड इज नथिंग बट दिस, एसिडिटी ऑफ बेस इज नथिंग बट वॉट? दिस. So this N representing my what? N factor. If I substitute here N factor and just multiply with molarity of the solution, I will get a normality of that solution.
क्या नॉर्मेलिटी। तो यदि मुझे मोलारिटी दिया है तो यदि मोलारिटी के ऊपर से मैं किसी भी सॉल्यूशन का एन फैक्टर डिटरमाइन कर लूँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट करके मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई विल डायरेक्टली गेट व्हाट मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो दिस इज व्हाट अ रिलेशन बिटवीन व्हाट नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग इक्विवेलेंट मास के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे, तो लेट अस डिस्कस द इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास के लिए हम लोग द इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी कर दो, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी गिव्स यू ऑफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास आपको मालूम है और उसकी वैलेंसी यदि आपने ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया वैलेंसी से, तो जो भी चीज आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। दूसरा इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय, एसिड है तो क्या लिखोगे उसकी बेसिसिटी, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब योर एन फैक्टर। सिमिलरली जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, HCl का निकालने का इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट इसका मोलर मास क्या होगा, HCl का मोलर मास इक्वल टू आएगा इसका दैट इज 36.5 ग्राम पर मोल। या गया, अब इसका आपको ना इक्विवेलेंट मास बोला है, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इसका मास कितना दिया है 36.5 डिवाइड बाय, मुझे बताओ इसकी बेसिसिटी, इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 1, तो डिवाइड बाय कितना होगा 1, तो इसका जो 36.5 दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। इसी तरह आप सल्फ्यूरिक एसिड का निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे और फॉस्फोरिक एसिड का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। नाउ थर्ड वाला आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। यदि मुझे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अगेन सेम फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, बेस है तो एसिडिटी ऑफ बेस। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ NaOH ले लेता हूँ, NaOH का जो मोलर मास इक्वल टू कितना आएगा, इट्स अ 40 ग्राम पर मोल आएगा, क्या आएगा 40 ग्राम पर मोल। और यदि मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बच्चा लोग, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस दैट इज व्हाट ऑफ NaOH इक्वल टू क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH कितना है, 1, तो डिवाइड बाय क्या होगा 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 40। तो
इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू व्हाट एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी. इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, मोलार मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी. एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल टू होता है मोलार मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय व्हाट एसिडिटी ऑफ बेस. अंडरस्टूड? Now let us determine the equivalent mass of fourth one. Equivalent mass of salt. Equivalent mass of salt क्या होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं molar mass of salt divided by total चार्ज ऑन कैटायन. टोटल चार्ज ऑन कैटायन. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया Na2CO3 लिया हुआ है. Na2CO3 को यदि मैं डिसोसिएट करूंगा तो क्या बनेगा, 2Na+ प्लस क्या बनेगा CO3 2 माइनस. यदि मुझे इसका इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करना है तो इसका पूरा मोलर मास लूंगा, मोलर मास ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन. कैटायन क्या है, ये प्लस वन. कितने कैटायन है, दो. तो टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन तो कितने चार्ज हो जाएंगे, एक सोडियम पे चार्ज कितना है, वन. तो दो सोडियम है तो कितने चार्ज होंगे, दो. तो यहाँ डिवाइडेड बाय क्या करोगे, प्लस टू. तो यदि मैं प्लस टू से डिवाइड कर दूंगा, मतलब टू से डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ व्हाट, Na2CO3. किसका, Na2CO3. सिमिलरली सपोज मुझे फिफ्थ वन इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन से डिटरमाइन, मास ऑफ एनायन इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला मास ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन आयन. फॉर्मूला मास ऑफ या इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन लिख लेते हैं, या एनायन नहीं लिखते, आयन से लिखते हैं. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन इक्वल टू होता है फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन आयन. क्या, टोटल चार्ज ऑन आयन. तो दिस वे यू कैन ऑल्सो, जैसे फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल SO4 2- आयन का इक्विवेलेंट निकालना मुझे, तो इसका पूरा फॉर्मूला मास लूंगा, पूरा फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन आयन कितना है, टू. कितना है, टू. तो मैं यहाँ टू से डिवाइड कर दूँ तो आई विल गेट अ इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन्स. क्या मिल जाएगा मुझे, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन्स. नेक्स्ट आता है मेरा तो नेक्स्ट वन है सिक्स्थ वन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू होता है मोलार मास और एटॉमिक मास, मोलर मास और एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग है मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन
ये मैं मोलार मास और एटॉमिक मास का रेशियो ले लेता हूँ, किसका है, मोलार मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर देता हूँ, तो आई विल गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सिमिलरली इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू होता है मोलर मास और एटॉमिक मास, मोलर मास और एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो दीज आर द सम फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज अ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। यदि कोई सॉल्ट है तो मोलार मास ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन, यदि कोई आयन है और उसका इक्विवेलेंट मास आपको यूज करना है तो फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन आयन, यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो मोलर मास और एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इन केस ऑफ वॉट रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल विच टेल्स अस कि हाउ द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, या नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन गिवन है और कुछ अदर पैरामीटर पूछा है गया है तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, लेट अस सी बाय न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इज थर्टी वन पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज डिसॉल्व्ड is dissolved to get 2500 ml of solution, 2500 ml of solution. Calculate the normality of the solution. Given molar mass of oxalic acid 126 gram per mole. ये दिया गया है और पूछा गया है कि नॉर्मेलिटी क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको वो समझ में आ गया तो आगे का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं 31.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज डिसॉल्व टू गेट 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 31.5 ग्राम क्या दिया है, दैट इज वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दिया है, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 2500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये दिया गया है। और कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी बोल रहा है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज गिवन। तो लेट अस फर्स्ट राइट द डेटा व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। तो डेटा क्या हो जाएगा इसका, यदि मैं लिखता हूं इधर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड
कितना दिया है, 31.5 ग्राम दिया है। क्या दिया है? 31.5 ग्राम। मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या दिया है, 126 ग्राम पर मोल ये दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है अपने को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 2500 ml, इसको हम लोग लीटर में चेंज कर दे तो 2.5 डीएम क्यूब हो जाएगा, 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया। मुझे बोला गया है टू फाइंड नॉर्मेलिटी, मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अच्छा बताओ मुझे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है डब्ल्यू टू अपॉन ई इंटू वी इन डीएम क्यू। डब्ल्यू टू दिया है, दिस इज माय व्हाट डब्ल्यू टू, दिस इज डब्ल्यू टू इज गिवेन, दिस इज व्हाट माय वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज व्हाट डब्ल्यू टू, ये दिया गया है। अपने को ई चाहिए, हाउ विल यू डिटरमाइन ई इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो इक्विवेलेंट डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ऑक्सैलिक एसिड का पहला फॉर्मूला लिखेगा, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ऐसा है डॉट टू एच टू ओ, इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक और ये एक, तो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गए, देर आर टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा टू, एन फैक्टर मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी टू। अब मुझे बताओ इस इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय व्हाट, बेसिसिटी। इसका मोलर मास कितना दिया, 126 डिवाइडेड बाय 2 करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 63 ग्राम इक्विवेलेंट। इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है डब्ल्यू टू अपॉन ई इंटू वी, वी इन डीएम क्यूब ना, तो डब्ल्यू टू कितना दिया है, 31.5 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 2.5 है ना। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, आएगा 1/2 इंटू 2.5, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब। क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब। तो दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ योर सॉल्यूशन, यू कैन इजीली डिटरमाइन। तो नॉर्मेलिटी देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डेटा को लिखा हुआ और उसी को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, इसमें एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ मैं, नोट पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। अब इसको मुझे क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट को मिलीग्राम इक्विवेलेंट करना है, तो मिलीग्राम मिली इक्विवेलेंट नॉट मिलीग्राम मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट के लिए क्या करो, डीएम क्यूब को ml में कर दो बस। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हो जाएगा। क्या
क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएम। देयरफॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट। तो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, कभी कभार आपको मिली इक्विवेलेंट पूछ लिया तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट?